की सेवा करते हुए विराजमान। तो चांदी का सितारा है तो पार्षद है, यदि कोई तिनका है जो ब्रह्म में डूब गया और कभी निकल रहा है, ऐसे ही योग शक्ति के द्वारा, योग के द्वारा उसने उपाधि को दूर कर दिया और ब्रह्म में वह कभी अवस्थित हो जाए कभी अवस्थित ना हो, ये एक दूसरी स्थिति हो सकती है। तीसरी स्थिति यह है कि मोक्ष में भी जीव निश्चेष्ट होकर के ब्रह्म में पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, सेवा नहीं मिल रही है, निश्चेष्ट होकर के पड़ा है। चौथी स्थिति है कि उसका साइज हो गया, मेल्ट हो गया। यहां पर वैष्णवों ने कहा कि तीन स्थिति तो बन सकती हैं, पर वो पहली वाली जो स्थिति है वो कभी नहीं बनेगी। जीव कभी भी ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता। ज्ञानी जन तो ये कहेंगे कि जीव और ब्रह्म दोनों स्वरूप है, एक है, इसलिए जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। पर श्री रामानुज भगवान ये कहते हैं कि मोक्ष की स्थिति में, साहित्य मुक्ति की स्थिति में कभी भी जीव का ब्रह्म में लय नहीं, ये एक सिद्धांत है। मैंने हम जीव तटस्था शक्ति है, तटस्था शक्ति एक अलग चीज है, वो कभी भी भगवान में नहीं मिलेगी, स्वरूप शक्ति के साथ में वो कभी भी मिल नहीं सकती है, स्वरूप शक्ति रहेगी, स्वरूप शक्ति के साथ में मिल करके एक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत बड़े काम का है, इसलिए कोई ये समझे कि मैं स्वयं श्री राधारानी बन जाऊं हार हार महाअमृत हो जाऊं, क्यों, जीव तो तटस्था शक्ति है, स्वरूप शक्ति है ही नहीं, इसलिए वो स्वयं नायिका नहीं बन सकता है। जो नित्य परकर है वो नित्य परकर नहीं बन सकता, मोक्ष हो जाने पर भी, नित्य परकरों के साथ में रहने पर भी हम नित्य परकर नहीं है, हम नित्य परकर के सदा अनुगति ही होकर के मोक्ष की स्थिति में भी रहेंगे, क्योंकि हम स्वरूपतः ओरिजिनली बेसिकली बेसिक रूप में मूल रूप में हम तटस्था शक्ति हैं, और तटस्था शक्ति का कभी भी जीव का, जो जीव भी नित्य है, जीव का कभी भी नाश नहीं है। इसलिए भले कितने भी मोक्ष को प्राप्त कर ले, हम स्वयं नित्य शक्ति नहीं बन सकते हैं, श्री रूप मंजरी नहीं बन सकते हैं, रूप मंजरी नित्य हैं, हम भी मंजरी स्वरूप धारण करेंगे, श्री गुरुदेव की कृपा होगी, आशा तो रखें ना, परंतु हम मंजरी बनेंगे, परंतु वो मंजरी कौन सी होगी, वो प्राण मंजरी होगी, प्री मंजरी नहीं होगी, वो स्वरूप मंजरी नहीं होगी। श्री रूप गोस्वामी स्वरूप मंजरी होकर के विराजमान है, जबकि हम कहीं प्राण मंजरी होकर के ही, कहीं साधन सिद्ध होकर के ही हम विराजमान होंगे। इसलिए मोक्ष की स्थिति में भी ये जीव सदा श्रीमद गुरु मंजरी, परात्पर गुरु मंजरी, उनका आनुगत्य ग्रहण करके ही सर्वदा सर्वदा विराजमान रहेगा। तो मोक्ष की चार स्थिति हुई, एक स्थिति हुई जो ज्ञानी जन कहते हैं उसका खंडन करेंगे कि जीव ब्रह्म में जाकर के लीन हो गया, उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो गया, बूंद समुद्र में जाकर के मिल गई, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, इसमें तर्क दिया जाएगा नहीं, बूंद समुद्र में मिली परंतु बूंद के रूप में ही विद्यमान है, वह समुद्र नहीं बन सकती, वह बूंद बूंद समुद्र के बीच में विराजमान है, और बाहर से कोई चीज मिलेगी नहीं, यह बाहर से चीज मिलेगी तो वजन बढ़ जाना चाहिए और चीज पोली होनी चाहिए, कोई चीज मिल रही है तो कहीं अवकाश होगा तभी तो जाके मिलेगी, तो यह भी एक तर्क है। हम लोग सब भगवान के भीतर ही विद्यमान है, कहीं बाहर से जाकर के भगवान में नहीं मिलेंगे, क्योंकि यदि बाहर से कोई चीज मिली है तो ब्रह्म का वजन भी बढ़ना चाहिए और ब्रह्म में पोलापन भी होना चाहिए, ना ब्रह्म पोला है, ये तर्क भी प्रदान किया गया कहीं शास्त्रार्थ में, ये तर्क आया कि ब्रह्म ना तो पोला है, उसमें कोई दूसरी चीज घुस नहीं सकती है, पोला होता तो घुसेगी, तो ब्रह्म पोला भी नहीं है, और ब्रह्म में यदि कोई चीज घुसेगी
तो उसका आकार भी बढ़ना चाहिए भाई। गुब्बारा है, बैलून, उसमें भी हवा भरो तो उसके वजन में अंतर आ जाएगा। खाली बैलून के वजन में और हवा भरे हुए बैलून के वजन में कहीं ना कहीं अंतर है, तो वजन में अंतर आ जाएगा। और पोला है इसलिए हवा कहीं उसमें घुसी, इसलिए ब्रह्म में सायुज होकर के कोई नई चीज मिली यह संभव नहीं है। तो पहली चीज का तो इसको अंश रूप में ज्ञानी जन भी मानते हैं कि हम ब्रह्म में ही हैं और ब्रह्म में ही लीन हुए, अज्ञान की निवृत्ति हुई है, कहीं से न घुसे न कहीं मिले, बिल्कुल भी यही बात कहेंगे, परंतु लीन नहीं होगा। उनके यहां पर लीन होने का प्रश्न नहीं है, उनके यहां पर केवल अज्ञान के कारण जीवन है, अज्ञान, भ्रम आया, भ्रम दूर हुआ, चीज में कोई अंतर है ही नहीं, चीज तो वही है, वे इस तरह से अपनी सिद्धि करेंगे। परंतु यदि ये कहा जाए कि जीव ब्रह्म में जाकर के लीन हुआ, उसका जीव रूप समाप्त हुआ, यह उचित नहीं। अब दूसरी जो स्थिति है वो ये कि जीव ब्रह्म में स्थित हुआ, कोई ब्रास का चमकीला टुक चांदी में ही जाकर के ऊपर से चिपक गया, चांदी है नहीं, वो है वो ब्रासी, परंतु वो चांदी के प्लेट में जाकर के चिपक गया, तो उस स्थिति में बेचारे को सेवा सुख तो मिला नहीं, बस चिपका हुआ है, पड़ा हुआ है निश्चिष्ट, तो वो भी प्राप्ति नहीं हुई, वो कोई चांदी थोड़ी कहलाएगी, चांदी तो हुआ नहीं। तीसरी जो स्थिति है वो तीसरी स्थिति ये है कि कभी प्रकट हो जाए कभी अलग हो जाए, ऐसे ही ये जीव कभी भगवत इच्छा से कहीं ब्रह्म में स्थित था, वहां से निकल करके ये पहले सृष्टि में आया, फिर ठाकुर की आज्ञा से कभी ये जीव वापस भी आ सकता है, ठाकुर चाहे तो आएगा नहीं, यद्यत्वान निवर्तते तो धाम पर मुमुमो, वहां से लौट करके आता नहीं है, पर ठाकुर चाहे तो कभी कभी किसी जीव को वापस भेज भी सकते हैं, एकदम अपने में पूरा लीन नहीं करें। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, इनको कहीं नारायण में लीन होने के बाद में भी तीसरे जन्म में कहीं शुष्पाल दंत वक्र के रूप में जन्म की प्राप्ति हो गई, तो तिनका कभी प्रकट भी हो जाए कभी छिपा हुआ भी विराजमान, परंतु यह स्थिति भी मुख्य स्थिति नहीं है, निश्चेष्ट स्थिति रही। चौथी जो स्थिति है वो ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है कि ठाकुर हमारे प्राकृत ब्रास के रूप को तो समाप्त कर दें, या और जो स्वरूप है उसको तो समाप्त कर दें, और हमको चिन्मय सेवा करने योग्य जो स्वरूप है वो कृपा करके प्रदान कर दें, उस स्थिति को प्राप्त करके हम भगवत सेवा करते हुए विशेष रूप से विराजमान हो सकते हैं। तो यहां पर अब श्रीमद् भागवत इत्यादि जो भक्ति शास्त्र वो जीव के तत्व का अनुरूपण कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं जीव स्वरूपम यद वस्तु परम ब्रह्म तदेव चेत, ये पूर्व चेत कहकर के पूर्व पक्ष दिखाया कि जीव को परम ब्रह्म तो माना ही नहीं जा सकता, जीव एक स्वतंत्र अलग वस्तु है, तटस्था शक्ति है, और तटस्था शक्ति वह स्वरूप नहीं हो सकती है, वो रहेगी भगवान की सदा शक्ति। तदेव सच्चिदानंद घनम श्री भगवान तत्, ऐसा मानना उचित नहीं है कि जीव ही ब्रह्म है, जीव ही भगवान है, ऐसा मानने से बड़ा गड़बड़ हो जाएगा और सेव्य सेवक भाव ही समाप्त तो हो जाएगा, इसको कभी भी भक्त कभी चाहेगा नहीं। हुआ भी यही कि नंद बाबा ब्रजवासियों को श्री कृष्ण जब गोलोक धाम अपना वैभव दिखाने के लिए ले गए तो उन्होंने पहले ब्रह्म हृदय में ब्रजवासियों को डुबोया, और जैसे ही ब्रजवासियों को डुबोया तो श्री ठाकुर ने कृपा करके उनकी चिन्मय जो स्वरूप है, नित्य चिन्मय स्वरूप, उसको आवृत कर लिया। तो ऐसी स्थिति में जीव घबरा गए, नंद बाबा घबरा गए, बोले हाय हमारा शरीर उपाधि छूटती जा रही है, अब कन्हैया की सेवा कैसे करेंगे बिना इस उपाधि के, हमें नीचे ये मोक्ष यहां से निकालो। सुते तो ब्रह्म हृदय नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता, पहले ब्रजवासियों को
ब्रह्म सुख में ब्रह्मलीन कराया, पंत ब्रह्मलीन करा करके जब जैसे ही उनकी उपाधि का विस्मरण होने लगा वैसे ही श्री कृष्ण ने उनको वहां से वापस निकाल लिया और अपने स्वरूप में स्थित करके दद्दशु ब्रह्मलोकम श्री कृष्ण रूप ब्रह्म के लोक का वैकुंठ का ब्रजवासियों ने दर्शन किया वहां पर। तो ब्रज एक भक्त प्राकृत शरीर को तो छोड़ता है परंतु चिन्मय शरीर प्राप्त करके ठाकुर की सेवा करना चाहता है। प्राकृत शरीर की भी रक्षा इसलिए करता है क्योंकि इस शरीर से ठाकुर की सेवा बन रही है, इसलिए इस शरीर की भी रक्षा करना यथासाध्य रक्षा करना यह हमारा काम है। और संतगण कहते भी हैं भाई घर का नौकर है ठीक है सेवा करने के लिए नौकर को रखा परंतु नौकर बीमार पड़ जाए तो भाई इसका इलाज भी करना पड़ेगा, उसको सर्वेंट क्वार्टर भी देना पड़ेगा, उसको यूनिफॉर्म भी देनी पड़ेगी और उसको भोजन भी कराना पड़ेगा। ये थोड़ी है नौकर है तो बस काम ही काम लेंगे, कभी नौकर बीमार पड़ जाए तो उसकी सेवा भी करनी पड़ती है, मालिक भी नौकर की सेवा करता है। ऐसे ये शरीर ठाकुर की सेवा करने के लिए मिला है, कभी शरीर बीमार पड़ जाए तो इसके लिए औषधि भी लेनी पड़ेगी, इसको आराम करने की बात कही गई है तो वो भी करना पड़ेगा, वो भी इसको सुविधा कुछ न कुछ देनी पड़ेगी जिससे सेवा की जा सके। ये शरीर की रक्षा करना ये भोग भोगने के लिए नहीं है बल्कि सेवा करने के लिए। तो उसकी अनिवार्यता हो गई। तो तथापि जीव तत्वानी, फिर भी जीव तत्व उत्तर पक्ष दे रहे हैं कि तथापि जीव तत्वानी तस्यांशा एव सम्मताः, जीव सदा सदा भगवान का अंश होकर के ही विराजमान है। श्री मत्स्य सरस्वती जी इसीलिए कहते हैं कि सत्यपि भेदावगमे नाथ तवाहम न माम की न स्वम सामुद्रोही तरंग क्वचन समुद्र स्तारंग। बोले हे नाथ, यद्यपि भेद समाप्त हो गया है परंतु फिर भी मैं आपका अंश हूं, आप मेरे अंश नहीं हो सकते हैं और न मैं आपके समान हो सकता हूं। भेद समाप्त भले हो गया हो परंतु न तो मैं दो चीज नहीं हो सकती हैं, बूंद समुद्र में बूंद और समुद्र दोनों एक हो गए, एक होने पर भी बूंद कभी भी समुद्र के समान विशाल नहीं हो सकेगी, बूंद बूंद ही रहेगी। नाथ तबाह न माम की न स्पम, मैं तुम्हारा अंश हूं तुम मेरे अंश नहीं हुए, बूंद का अंश समुद्र नहीं है, समुद्र का अंश बूंद रहेगी। और जैसे समुद्र नई नई वस्तुओं को उत्पन्न कर सकता है ऐसे वो जीव भी नई नई वस्तुओं को सृष्टि कर सकने की सामर्थ्य उसमें नहीं आएगी। ब्रह्म सूत्र में कहा कि ठीक है मोक्ष प्राप्त हो गया परंतु जीव कोई सृष्टि थोड़ी कर लेगा, सृष्टि तो ईश्वर ही करेगा, मोक्ष प्राप्त हो जाने पर भी जीव सृष्टि नहीं कर सकता है। तो न कोई ईश्वर उसका अंश बनेगा, दो चीज नहीं होंगी, ईश्वर उसका अंश नहीं बनेगा और ईश्वर की तरह से वो सृष्टि नहीं कर सकता है। इसलिए सायुज मुक्ति की स्थिति में भी तथापि जीव तत्वानी तस्यांशा एव सम्भवा, मैं आपका ही अंश होकर के विराजमान हूं, मैं कभी भी आप मेरे अंश नहीं हो सकते और नहीं मैं आपकी बराबरी करते हुए अलग से सृष्टि कर सकता हूं। अलग से सृष्टि करने का कोई विचार करेगा तो वो हिरण्यकश्यप कहलाएगा। हिरण्यकश्यप ने तप किया कि ठीक है ब्रह्मा यदि मुझे वरदान नहीं देते हैं मेरे मन चाहे तो मैं नई सृष्टि कर दूंगा। अब ब्रह्माचार्य ब्लैकमेल में आ गए, क्या करें, ब्लैकमेल किया जा रहा है ब्रह्मा के सारे देवताओं ने कहा भले जल्द जाकर के हिरण्यकश्यप को जल्दी से वरदान दो, यदि वरदान नहीं दिया तो तुम्हारी सारी सृष्टि को बदल करके नया ब्रह्मांड खड़ा कर देगा वो, फिर क्या करोगे तुम, और उसके ब्रह्मांड में तुम्हारे यहां पर जो धर्म है वो हो जाएगा अधर्म, वो नया ब्रह्मांड सृष्टि कर देगा और फिर उसका ब्रह्मांड तुम्हारे ब्रह्मांड का नाश करने के लिए सदा तैयार रहेगा। अपने लिए क्यों आफत मोल लेते हो, इसे किसी तरह से दे दुबू करके कुछ उसको वरदान दे दुबू करके उसको शांत कर दो। ब्रह्मा ब्लैकमेल में दब गए, ब्रह्मा के साथ में जो हिरण्यकश्यप ने ब्लैकमेल किया उससे ब्रह्मा दब गए
और हिरण्यकश्यप ने जो वरदान मांगे वो सारे वरदान ब्रह्मा को देने पड़े। तो मोक्ष प्राप्त कर लेने पर भी जीव ईश्वर नहीं होगा। घन तेज समूह से जागरण यथा रवे, जैसे किरण कभी सूर्य नहीं हो सकती है, किरण सूर्य के समान कहीं दिन रात का सपने में भी समर्थ नहीं है। नित्य सिद्धास्त को जीवा भिन्ना एव यथा रवे अंश वो विष्पुलिंगाश्च बन्ने भर्गाश्च वारुदे। जीव यद्यपि नित्य सिद्ध है, जीव कभी विनाश नहीं हो सकता, जो नित्य सिद्ध है उसका कभी विनाश नहीं होगा। तो मोक्ष की स्थिति में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जीव समाप्त हो गया, जीव का तत्व समाप्त हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो नित्य सिद्धास्त तत्व जीवा भिन्ना एव तथा यथारवे, वे जीव उसी प्रकार सूर्य से भिन्न है जैसे कि सूर्य से सूर्य की किरण, जैसे अग्नि से विस्फुलिंगाश्च बंधे, जैसे अग्नि से अग्नि की चिंगारी, वह भिन्न है परंतु चिंगारी कभी भी स्वयं अग्नि के समान प्रकाशक नहीं है। अग्नि जितनी प्रकाशक है, चिंगारी एक अंश में ही प्रकाशक है, चिंगारी एक अंश में ही दाहक होकर के विराजमान है, संपूर्ण अंश में दाहक होकर के विराजमान नहीं है। चिंगारी को तो तेल से कुचला भी जा सकता है, माचिस जला करके तेल से बुझा दो, उसको कुचला भी जा सकता है, बंद भी किया जा सकता है। सो अंश वो विस्फुलिंगाश्च बंधे भर्गाश्च वारिधे, जैसे वारिधि माने समुद्र, उसकी लहर, वह लहर समुद्र का अंश है, समुद्र लहर का अंश नहीं हो सकता है। और जैसे समुद्र में कोई बड़े बड़े तिमिंगल आनंद पूर्वक विचरण कर सकते हैं, जहाज चल सकते हैं, ऐसे एक लहर में बड़ा जहाज नहीं चल सकता, तिमिंगल विराजमान नहीं हो सकते। इसलिए जीव जीव ही रहेगा। निर्णय की बात जो हुई वो ये है कि जीव एक तटस्था शक्ति है, उस तटस्था शक्ति को स्वरूप शक्ति समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। मोक्ष की स्थिति में भी वह स्वरूप शक्ति नहीं है, उसका तटस्थापना, तटस्था एक अलग शक्ति है भगवान की ही शक्ति, परंतु एक अलग शक्ति है, वह स्वरूप शक्ति नहीं बनेगी। अनादि सिद्धिया शक्त्या चित विलास स्वरूपया महायोगाक्षया तस्य सदाते भेदतास तथा। क्या बात, अब जीव ईश्वर की शक्ति है, इसका मतलब अभेद है, परंतु अभेद होते हुए भी भेद है, शुद्ध अभेद नहीं है, एकदम आत्यंतिक अभेद नहीं है, भेद होते हुए भी उसमें अभेद है। अनादि सिद्धिया शक्त्या श्री कृष्ण की ऐसी अनादि सिद्ध शक्ति है, चित विलास स्वरूपया, चित शक्ति के विलास रूप ऐसी एक शक्ति है, कृष्ण की महिमा की एक ऐसी शक्ति है, वो महायोगाक्षा नाम करके शक्ति है। क्या शक्ति है, कौन सी शक्ति है, बोले उसका नाम है अचिंत्य शक्ति। ठाकुर में अचिंत्य नाम करके एक शक्ति है, उस शक्ति की ही अंश रूपा अनेक अनेक शक्तियां, जितनी भी शक्ति हैं, मुख्य शक्ति है अचिंत्य, और उस अचिंत्य शक्ति की ही अनेक अनेक अन्य शक्तियां भी उसी के आश्रित होकर के विराजमान। जैसे अचिंत्य एक शक्ति है, उस अचिंत्य शक्ति का ही एक भाग हो गई जीव शक्ति, तटस्था शक्ति, अचिंत्य शक्ति का ही एक भाग हो गई, उसका एक अंश हो गया बहिरंग शक्ति, अचिंत शक्ति का ये एक अंश हो गया भगवान की इच्छा ज्ञान क्रिया शक्तियां, स्वरूप शक्तियां, सच्चित आनंद, ये शक्तियां अचिंत्य। तो मुख्य रूप से एक शक्ति है, उस शक्ति का नाम है अचिंत्य शक्ति। उस अचिंत्य शक्ति के अधीन अनंत अनंत भगवान में शक्तियां हैं, उन अनंत शक्तियों को क्लासिफाई यदि किया जाएगा तो तीन अंशों में उनको
कहीं विभाजित कर सकते हैं, स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति, मोक्ष शक्ति है अचित। तो अनादि सिद्धिया शक्तिया चित विलास स्वरूपया, श्री भगवान की अचिंत नाम करके चित विलास एक अनादि सिद्ध शक्ति है, महायोगा, वो महायोग नाम करके एक शक्ति है। तस्य सदा ते भिन्नता स्तः, उस शक्ति के कारण ये जीव भी ब्रह्म से सदा अलग होकर के विराजमान, सदा ते भिन्नता स्तः, वे जीव वे भी उस ब्रह्म से सदा भेदित होकर के सदा विराजमान है, अचिंत शक्ति के कारण ये जीव। अच्छा एक बात और इस विषय में समझ लेना चाहिए, वो ये कि तटस्था नाम करके एक शक्ति एक है, परंतु हम सब वृत्ति में अनंत जीव अलग है। वैष्णव सिद्धांत यह बहुजीववादी सिद्धांत है, माने एक व्यक्ति की मुक्ति हो जाने पर दूसरे व्यक्ति की भी मुक्ति हो जाए जरूरी नहीं है। वामदेव की यदि मुक्ति हुई तो देवदत्त की भी मुक्ति हो जाएगी, और देवदत्त बंधा हुआ है तो वामदेव की मुक्ति नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वामदेव बंधा रहे, वामदेव मुक्त हो जाएंगे और देवदत्त बंधा हुआ भी रह सकता है। इसलिए सबने जो कुछ भी अपने अपने कर्म हैं, उन अपने अपने कर्म अपने अपने साधन से सबको अलग अलग सिद्धि मिलेगी। जीव यदि जीव तत्व एक मान लिया जाए तो एक मानने पर एक की मुक्ति होने पर सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए, और एक का भी बंधन रहा तो किसी की भी मुक्ति हो ही नहीं सकती, ये प्रश्न उपस्थित हो जाएगा। इसलिए पुरुष भक्त सिद्धांत वैष्णवों ने भी माना, परंतु स्वरूप शक्ति में, स्वरूप में जितने भी जीव हैं वे सब तटस्था शक्ति की वृत्ति हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको समझाने का एक तरीका यह है कि जैसे हम स्वप्न देख रहे हैं तो मन तो हमारा एक ही है, परंतु स्वप्न में मन ही बन गया पलंग, मन ही बन गया पहरेदार, मन ही बन गया महल, मन ही बन गया पंखा, मन ही बन गया एसी, और मैं सो रहा हूं, सपना देख रहे हैं। तो मन जैसे एक होते हुए भी अनेक रूपों को धारण कर लेता है, इसी प्रकार की भगवान की तटस्था शक्ति भी वृत्ति में अनेक अनेक स्वरूप धारण कर लेती है। इसलिए एक व्यक्ति की मुक्ति होने पर सबकी मुक्ति नहीं होती, और एक का बंधन होने पर ऐसा भी नहीं है कि मुक्तिजनों को भी विचारों को बंधन हथकड़ी बेड़ी पड़ी रहेंगी, ऐसा उनका भी नहीं है। वामदेव मुक्त हो सकते हैं और देवदत्त बंधा रह सकता है, वृत्ति में हम सब भिन्न होकर के विराजमान। जैसे पंच महाभूत से बना हुआ मनुष्य का शरीर और पंच महाभूत से बना हुआ एक स्वाम का शरीर है, परंतु स्वाम और मनुष्य एक थोड़ी हो जाएंगे, मनुष्य मनुष्य की है, स्वाम स्वाम की है। ऐसे ही व्यक्ति व्यक्ति वृत्ति भेद में व्यक्ति अलग अलग होकर के भी विराजमान है। सो अनादि सिद्धिया शक्तिया चित विलास स्वरूपया, भगवान की अचिंत्य नाम करके अनादि सिद्ध जो शक्ति है, शक्ति किसका नाम, श्री जीव गोस्वामी जी सर्व संवादनी में शक्ति शब्द की व्याख्या दे रहे हैं कि स्वरूपमेव कार्योन्मुखम शक्ति शब्दे नाभिधीयते, स्वरूप ही कार्य अवस्था को जब प्राप्त करता है तो उसका नाम ही शक्ति है। स्वरूप यदि कार्य अवस्था को प्राप्त हो जाए तो उसका नाम शक्ति है। तो शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं है, स्वरूप ही कार्य अवस्था में तो शक्ति कहलाएगा, और जब कार्य अवस्था में नहीं है उसके भीतर छिपी हुई है तो वही शक्ति होकर के विराजमान होगा, वो शक्तिमान होकर के विराजमान होगा। तो शक्तिमान की कार्य अवस्था उसका नाम ही शक्ति है। तो भगवान की स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति, माया शक्ति, ये हैं सब भगवान ही, भगवान के ही सामर्थ्य हैं, परंतु कार्य अवस्था में आने पर ये तीन अलग अलग शक्ति होकर के विराजमान हुई हैं। अतस्तस्मात् अभिन्नास्ते
भिन्ना अपि सताम मता। अतः जीव भगवान से, अब देखिए यहां पर जो प्रसंग चल रहा है, ये प्रसंग चल रहा है अचिंत्य भेदा भेदवाद। ये जो अचिंत्य भेदा भेदवाद किसको कहेंगे, वो अचिंत्य भेदा भेद को श्री वैष्णव सिद्धांत कहीं प्रतिपादित कर रहे हैं। ये पांच सात जो श्लोक हैं ये अचिंत्य भेदाभाद को स्थापित करने वाले हैं। ये अतस तस्मात अभिन्नास्ते, इसलिए जीव ईश्वर से अभिन्न भी है और भिन्न अपि सताम मतः, और भिन्न होकर के भी विराजमान है। मुक्तम सत्याम अपि प्रायः भेदो तिष्ठेत अतो हिसः। अतः मुक्ति को प्राप्त हो जाने पर भी भेद कहीं ना कहीं बना ही रहता है। जैसे तिनका नदी के प्रवाह में डूब गया तो कहा जाएगा बस नदी नदी है, कुछ भी नहीं है, नदी के अलावा और कोई चीज है ही नहीं, परंतु नदी के भीतर भी तिनका विद्यमान है। तो यदि अलग से तिनका कभी उभार करके अलग दिख गया तब तो उसमें भेद दिखेगा, और अलग नहीं दिखा तो उसमें भेद नहीं दिखेगा। ऐसे ही कभी भगवान की शक्तियां भगवान से पृथक होकर के दिख सकती हैं, कभी नहीं दिख सकती हैं। कस्तूरी की गंध कस्तूरी से अलग भी दिखती है और कस्तूरी से अलग नहीं भी है। अग्नि का ताप अग्नि से भिन्न भी है और अग्नि से भिन्न नहीं भी है। अग्नि को हम नहीं छू सकते हैं, ताप को कौन छू रहे। कस्तूरी की सुगंध, कस्तूरी तो भीतर कपड़े की पोटली में बंधी हुई अलग रखी है, परंतु वो तो अलग अलमारी में रखी हुई है, परंतु उसकी गंध पूरे कमरे में फैल रही है। तो जो शक्ति है वो शक्तिमान से भिन्न भी दिखती है और भिन्न नहीं भी है। इसलिए मुक्तां सत्यां अपि, मुक्ति हो जाने पर भी भेद स्थिष्ठे, जीवात्मा का और माया शक्ति का भेद सर्वदा सर्वदा बना रहेगा। माया शक्ति तो खैर पहुंचेगी नहीं वहां पर, जीवात्मा जो पहुंचेगा तटस्था होने के कारण, माया तो भगवान से अलग ही रहेगी। तो जीवात्मा जो है वो मोक्ष होने पर भी भगवान से भेद भी प्राप्त करके, उस समय भी भेद प्राप्त करके रहेगा। और वो ही निवेदन कर रहे थे कि मोक्ष प्राप्त हो जाने पर भी कोई स्वयं श्री रूप मंजरी नहीं हो सकता, कोई स्वयं श्री ललताजी नहीं हो सकता। हम रहेंगे श्री ललता के अनुगति ही, श्री विशाखा के अनुगति ही, श्री रूप मंजरी के अनुगति ही, हम नित्य परकर नहीं हो सकते। तो मुक्ति हो जाने पर भी भेद श्री रामानंद भगवान के और श्री वैष्णव का, सब सारे वैष्णव ये माने कि भेद कहीं ना पाए कहीं बना, भेद यदि समाप्त हो जाएगा तो सेवा ही समाप्त हो जाएगी। इससे भेद तो जरूरी है, वो 7 सेंटीमीटर की दूरी तो जरूर रखनी पड़ेगी, तब तक दिखेगा नहीं भगवान, वो वस्तु ही नहीं दिखेगी, उतनी दूरी तो कहीं बना करके रखनी पड़ेगी। सच्चिदानंद रूपानाम जीवानाम कृष्ण माया अनाद्य विद्या तत्व विस्मृतिया संस्थित भ्रम। अब यहां पर एक नया प्रश्न उपस्थित हुआ कि जीव को भ्रम कैसे हुआ, जीव को बंधन की प्राप्ति कैसे हुई। इसमें इस तरह से समझना चाहिए, इस तरह से भी समझा जा सकता है कि तीन शक्ति है स्पष्ट रूप से, जीव है, ठाकुर जी हैं और जगत है। सामान्यतः जितने भी पदार्थ हैं वो तीन पदार्थ के भीतर सब कुछ आ गया, जीव तत्व, ईश्वर तत्व और जगत तत्व, ये तीन पदार्थ हैं। ये तीनों पदार्थ आश्रित हैं, शेष दो पदार्थ ये आश्रित हैं ईश्वर तत्व के। भगवान के अधीन ही जीव है, भगवान के अधीन ही सारा जगत है। तो फिर से दोबारा शुरू करें कि तीन पदार्थ हैं ईश्वर, जीव और जगत। इनमें जीव और जगत ये दो पदार्थ ईश्वर के अधीन हैं। इनमें अपनी अपनी कुछ शक्तियां विद्यमान हैं, परंतु ठाकुर का एक एक स्वभाव है कि वह जिसकी जो बेसिक शक्ति है, बेसिक गुण है, उस मूलभूत गुण के साथ में
ठाकुर कभी भी छेड़खानी नहीं करते। जिसकी ओरिजिनल जो एसेट्स हैं, ओरिजिनल जो संपत्ति है, मूल जो जिसके वर्चुअस हैं, उन वर्चुअस के साथ में, मूल गुणों के साथ में, मूल स्वरूप के साथ में ईश्वर कभी भी छेड़खानी नहीं करता है। अर्थात जीव यदि अणु है तो भगवान ये नहीं कहेगा कि आज से अरे जीव मैंने तुझे विभु बना दिया, ऐसा नहीं कहेगा। जीव सदा अणु ही रहेगा। इसी प्रकार सत्व रजतम, सत्व गुण आनंद देगा, रजोगुण कहीं दुख देगा, तमोगुण कहीं मोह प्रदान करेगा। ये गुणों के जो तत्व हैं उनके साथ में भी भगवान कभी छेड़खानी नहीं करेंगे। अब इन तीनों गुणों का एक स्वभाव है कि जीव के संपर्क में जब भी आएंगे तो गुण जीव के सच्चिदानंद रूप को ढांकेंगे और उसे भ्रम पैदा करेंगे। परंतु भगवान माया से ये नहीं कहेंगे, ए माया आज से तू जीव को मोहित करना बंद कर दे, ऐसा भगवान नहीं कहेंगे। माया का स्वभाव है, जिसका जो स्वभाव है उसके साथ में भगवान कभी भी छेड़खानी नहीं करते हैं, उसके प्रभाव को रोकेंगे परंतु रिसोर्स को कभी समाप्त नहीं करेंगे। भक्ति यदि कोई कर रहा है तो माया का जो प्रभाव है उस प्रभाव को तो भगवान रोक देंगे परंतु माया को नहीं रोकेंगे। माया के गुणों को काट देते हो सो बात नहीं है, जीव के लिए माया के गुण कट जाएंगे। बस एक व्यक्ति के लिए छत्ता लगा लेंगे तो मेरे ऊपर छाया नहीं आएगी, धूप नहीं आएगी, वर्षा नहीं आएगी, परंतु जगत के ऊपर वर्षा आना बंद थोड़ी हो जाएगा। ये बात हुई। तो भगवान कभी भी जिसका जो ओरिजिनल गुण है, मूलभूत गुण है, उस गुण के साथ में कभी भी छेड़खानी नहीं करते हैं और किसी की मूलभूत संपत्ति, मूलभूत गुण उनको भगवान कभी छीनते नहीं है। अब जीव का भी एक गुण है कि जीव अणु है। जीव के दो गुण विशेष रूप से यहां पर उनको रेखांकित कर रहे हैं। जीव के दो गुण विशेष हैं, एक तो जीव अणु है और दूसरा जीव को ईश्वर ने किंचित स्वतंत्रता दी हुई है। उसे कहीं लिमिटेड फ्री विल उसको कहीं प्रदान की हुई है, सीमित उसे फ्री विल किंचित स्वतंत्रता उसको दी गई है। ब्रह्म सूत्रों में कहा गया कृत प्रयत्नापेक्षा विधि प्रतिषेध है वो अवयर्थाभ्यश्च, जीव को ईश्वर ने प्रयत्न करने के लायक ही बनाया। क्योंकि यदि सारा काम जीव को किंचित स्वतंत्रता नहीं दी गई होती तब तो शास्त्र ही व्यर्थ हो जाता। शास्त्र में कहा ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा करो ऐसा मत करो, इसका मतलब है कि हमें स्वतंत्रता है कि